और ये कड़क शॉट है, जबरदस्त संपर्क, वन बाउंस से ये चार रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। स्काई 247.net ये सुपर फोर आता हुआ 8 विकेट नुकसान के। खिलाड़ियों का प्रयोग किया है, गैप में खेला है, बड़ा गैप है ऑन साइड पे, चार रन और मिलेंगे। दो ओवर की समाप्ति, 23 विकेट नुकसान के। इस बार ऑफ साइड पे गैप में लंबी अब दौड़ रहेगी और गेंद की जीत होती हुई, चार रन और मिलते हुए तेज रफ्तार से रन निकल रहे हैं इस समय। बड़ा निचले भाग में देख रहे थे क्योंकि टाइमिंग वैसा बैठा नहीं था, और चार रन और मिलते हुए इस बार बाहर निकल आए थे। इसकी पहले वाली गेंद विकेट पे खड़े होकर पॉपिंग क्रीज से ही मारा था, इस बार बाहर निकल आए, वो एक्सपेक्टेड जो लेंथ है उसको चुन लिया और उसके बाद और लेट खेला इस बार, बहुत ही चतुर शॉट, चार रन और, महंगा ओवर साबित होता हुआ, 26 रन इस ओवर से 50 विकेट नुकसान के। और इस बार फिर से गैप में गति का इस्तेमाल किया, बड़ी बैकअप लेंथ थी, फील्डर अंदर सर्कल के, चार रन और मिलते हुए। गेंद उतनी खराब थी नहीं, गिरने के बाद अंदर आई थी, एक तरह से क्रैम्प हो गए थे, बड़ा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया ये शॉट। आज रुकने नहीं वाले ये, जिस रफ्तार से रन आ रहे दिक्कतें खड़ी हो रही है यहां दुबई कैपिटल्स के लिए। आगे किया गेंद और उसको खेल दिया क्योंकि मुड़ऑफ अंदर है। आज देखिए स्वाद अनुसार सॉल्ट जो है वो डाल रहे हैं, उल्टे पैर वापस पवेलियन की तरफ चल दिए, मिड विकेट की तरफ निकल के खेला है चार रन के लिए, ये बढ़िया है शॉट, कदमों का इस्तेमाल लॉरेंस ने किया, होता है जब आपको स्टार्ट अच्छा दिया हो टीम ने, बहुत बढ़िया शॉट। ये इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर है डेजर्ट वाइपर्स के लिए पावर प्ले में, चाहे आप पहले एडिशन की बात करें चाहे इसकी। और जब आप बात करते हैं कि यहां पे पिछले तीनों मैचेस पहले बल्लेबाजी करके जीते गए हैं, 100 रन बोर्ड पे लग गए हैं, अभी 8 ओवर ही हुए हैं 100 पे। और स्ट्राइकर एंड पे है, इस बार पुल करने का प्रयास, गेंद बहुत फाइन गई है, प्रयास किया पर मिलते हुए यहां पे 4 रन और, रन थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे यहां पे, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, मुझे लग रहा है ग्लव्स पे लग के ये गेंद गई, तो 4 रन मिली। और इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे, कड़क शॉट, मिलेंगे 4 रन और, बहुत जल्दी लेंथ को आज परख रहे एलेक्स हेल्स, इस तरफ जहां पर ये शॉट लगाया है एलेक्स हेल्स ने, दो खिलाड़ी वहां मौजूद है और उसके लिए गैप मिलना बहुत जरूरी था, पोजीशन कितनी अच्छी रही है एलेक्स हेल्स की, ऊपर से नीचे बल्ला आया, स्विंग देखने को मिला, उठा के खेला है, गैप में खेला है, बड़ी अब चेज है वहां पे, फील्डर के लिए मिलेंगे 4 रन अंतिम गेंद पे। सैम करन ने अपना खाता खोला इस बाउंड्री के तहत, 116 पे 3। अच्छा शॉट ये, यॉर्कर डालने की कोशिश पर इसके लिए तैयार थे जोन्स, मिड ऑफ ऊपर इसके लिए, 150 भी पूरे हो गए इस बाउंड्री के साथ। भी शायद यॉर्कर का प्रयास इतना करना चाहिए नहीं, अगर लेंथ बॉल डालेंगे तो विकेट मिल सके। बाउंड्री राइडर्स शुरू में रन मिलेंगे, काफी फाइन खेला है, पहले रन आते हुए दुबई कैपिटल्स के लिए इस इनिंग्स में। बाउंड्री के तहत थोड़ी दिशा, अगर वो दिशा देखे थोड़ा सा बैड लाइन पर, बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि अब एक शॉर्ट फाइन पे खिलाड़ी है केवल। अच्छा शॉट, बहुत जल्दी परख लिया था लेंथ को, मिलेंगे 4 रन यहां पे, अच्छी पोजीशन में आके थे 8 विकेट नुकसान के पहले ओवर के बाद। बात करेंगे सैम करन, उठा के खेला है और इनफील्ड को क्लियर करते हुए एक और स्काई 247.net सुपर फोर आता हुआ, रन निकल रहे हैं, मेरे साथ है शोएब अख्तर, स्वागत है आपका। देखिए शुरू में तो रन्स मिलते हैं, बीच में पता नहीं क्या हो जाता है दोनों टीमों को, और ये अच्छा शॉट था करन को, और पहली बॉल पे ही पीछे पड़ गए इनके। सैम करन मारो, नहीं होल्डन मारेंगे, यही तो बैटल देखने आते हैं लोग, यही तो मजा है जी भाई। बड़ा बल्ला जरूर घूम गया था पर फिर भी काफी था कि वो गेंद
पहुंचे सीमा रेखा तक चार रनों के लिए और रन निकल रहे हैं। ये पहले ओवर में मोहम्मद आमिर के दो चौके आए थे। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। चलिए निकल गए गेंद, चार रन, खराब लाइन, खराब लेंथ, चार रन। बल्लेबाज को कुछ करना ही नहीं पड़ा, गिफ्ट के तौर पे इसको स्वीकार किया। देख सकते हैं लाइन से चूके, लेंथ से चूके, कुछ नहीं करना पड़ा बल्लेबाज को, अपने कीपर को भी टेस्ट कर लिया। शॉट सही है, ओ अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। 46 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री आई है, वो भी सैम बिलिंग्स के बल्ले से। सैम करन थे वहां फील्डर। बहुत अच्छा शॉट सैम बिलिंग का और सीधा हमारा सैम करन के लिए। लीजिए एक चौका मिल गया, ये सबा भाई के लिए आ गया और की जुबान मुबारक, लेकिन इस चौके से फर्क पड़ना कुछ नहीं। अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट। अच्छा ये क्या यहां पर के वेट कर रहे थे वो छोटी गेंद। शॉट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। चार रन और मिलेंगे। लीजिए आपको और क्या चाहिए बताइए। ये खेला है सैम बिलिंग्स ने और गैप मिला इस बार शॉट थर्ड और पॉइंट के बीच में से। ब्यूटीफुल, नहीं कुछ हो सकता। ओह अच्छा शॉट, फाइनली टॉस स्वीप मारी और चौका मिला। 40 किया उन्होंने इस वक्त। ये देखिए और कोई रास्ता मिला नहीं। अच्छा शॉट, अब यही रास्ता बचा था। ये नहीं टूटती, आज तो गेंदबाजों की कमर टूटेगी। ये मन बना के बल्लेबाजी की है सैम बिलिंग ने और अपना हर शतक भी पूरा, कप्तानी पारी खेल रहे, बिल्कुल मिसाल पेश की है यहाँ कप्तान ने। जी बहुत बढ़िया शॉट्स लगाए हैं। ये भी देखिए स्टेप आउट किया, जानते हैं कौन सा फील्डर अंदर है। ना जी ना, ये नहीं हाथ आने वाले। 120 पे चार 15 के बाद कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। पीप का प्रयास, वहां चार रन मिल सकते हैं। जी हाँ मिल गए हैं। सिकंदर नहीं रुकेंगे, ये सेट खेल रहे हैं। ये मैचेस इसी तरह से जीते जाते हैं जैसे आपने कहा। सिकंदर रजा किस तरह का शॉट खेलते हैं, ये अच्छा खेल दिया यहाँ पर, कवर के ऊपर से चार रन आ गया जिसकी तलाश थी। एक ओवर में सिर्फ आपको एक बाउंड्री चाहिए, हमें देखने को मिला है। ये sky247.net सुपर फोर आता हुआ इनफील्ड को क्लियर किया। संपर्क वैसा हुआ नहीं था पर इतना काफी था कि वो सर्कल को क्लियर करे और ये सोच सिकंदर रजा की शुरू में बहुत धीमी चाल। ये देखिए रन मिल गए और मिल गए चार रन। चलिए अंतिम गेंद पे बाउंड्री आती हुई 17 ओवर के समाप्त से 143 पे चार। मुंबई कैपिटल्स ने पर गति मिशन उठा के खेला है। वो बाउंड्री की बात कर रहे थे और वो मिल गई है। यहाँ पे सिंगल्स निकल रहे थे और उसके बाद ये चौका आता हुआ सिकंदर रजा के बल्ले से 150 रन दुबई कैपिटल्स ने पूरे कर लिए हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी वक्त ही वक्त था यहाँ पर रजा के पास, उन्होंने जगह चुनी, उनको मालूम है कि इनफील्डर्स है अंदर, उसके साथ ये शॉट खेलने में आसानी भी हुई। कैसे इनिंग्स में इस बार मिलेगी बाउंड्री, यहाँ पे अहम बाउंड्री है, अहम रन है दुबई कैपिटल्स के लिए। बस विकेट नहीं देना है सिकंदर रजा को इस ओवर में, और या तो फिर स्कूप शॉट खेलने की भी कोशिश ना करें, सीधे बल्ले से सीधा खेलने की कोशिश करें। ये परीक्षा रहेगी इस युवा गेंदबाज की। ओ बारी किनारा और यहाँ पे मिलते हुए चार रन, पहली गेंद पे बाउंड्री आती हुई, लकी बाउंड्री कहना होगा। पर ये कह रहे होंगे दुबई कैपिटल, रन कैसे भी आए रन आने आवश्यक है। डाली थी, बल्ला घुमाया था स्कॉट कुक लैंड ने, धीमी गति की बॉल डाली थी, प्रयास किया यहाँ फिल सॉल्ट ने, ओहो डाइव लगाई थी पर हाथ में बॉल वो आई नहीं,